ग्रोथ के लिए प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, ग्रोथ तो समझ में आया, अब ये प्रोसेस का मतलब क्या? कई लोगों को प्रोसेस ही नहीं मालूम रहता, प्रोसेस का मतलब क्या भाई? ग्रोथ हमारे को होना है, वी वॉन्ट ग्रोथ, अपने को ग्रोथ होना है। अपने को 1,000 PV 10,000 तक लेके जाना है, 10,000 PV 1 लाख तक लेके जाना है, घर की हालत को सुधारना है, फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करना है, अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाना है। हर कोई, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, 55 लोग या 56 लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे, सबका एक ड्रीम है कि अपने को भी स्टेज पे आके लोग सेल्फी लेना, अपने को भी स्टेज पे ठहर के आग लगाना है, अपने को भी एक बहुत बड़ा लीडर बनना है। एवरीबडी इज हैविंग ए गोल, ऐसा एक गोल सबको है। कौन नहीं चाहता कि एक अच्छा सेलिब्रिटी बने? कौन नहीं चाहता कि लोग आपको दुनिया में पहचान सके? कौन नहीं चाहता स्विट्जरलैंड जाना? कौन नहीं चाहता कार खरीदना? कौन नहीं चाहता 1 करोड़ 2 करोड़ के घर में रहना? कौन नहीं चाहता अच्छे से अच्छी गाड़ी खरीदना? हर कोई चाहता अपनी जिंदगी के अंदर ग्रोथ, मगर बंदा ग्रोथ चाहता है, मगर ग्रोथ के लिए प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ग्रोथ के लिए फॉलो, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर आप कौन सी भी चीज को ले लो, दुनिया के अंदर आप कौन सा भी काम ले लो, दुनिया के अंदर आप कुछ भी ले लो, हर चीज का एक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाना, चाय बनाने का एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस है क्या? पहले, सबसे पहले स्टोव को ऑन करना, गैस के स्टोव को ऑन करना, उसके बाद उसके ऊपर एक बाउल रखना या यानी बर्तन रखना या वेजल रखना, उसके अंदर दूध डालना, फिर थोड़ा पानी डालना, फिर चीनी शुगर डालना, फिर उसके बाद चाय की पत्ती डालना, फिर उसको पकाना, उसको उबालना, फिर उसको छानना, एक ग्लास में लेना, फिर उसको सिप करते हुए पीना, और वो पेट में जाके फिर पेट का प्रोसेस स्टार्ट, वो उसको डाइजेशन करना, नेक्स्ट जो भी, हर चीज का एक प्रोसेस। आप कुछ भी ले लो, प्रिपेयरिंग ए टी हैज ए प्रोसेस, चाय बनाने का भी एक प्रोसेस है सब। सिंपल सी चीज एक चाय, उसको बनाने का भी प्रोसेस है। हर इंसान को देखो, खाना खाने का एक प्रोसेस है। सुबह नाश्ते में आप व्हाइट राइस, दाल, भिंडी नहीं खाते, चपाती के साथ भिंडी खाते, या डोसा खाते, या इडली खाते, राइट, या कुछ और बना के खाते। जो इंसान दोपहर में खाता वो सुबह के नाश्ते में नहीं खा सकता, जो नाश्ते में खाते वो शाम के स्नैक्स में खा सकते हैं, मगर रात के खाने में नहीं खा सकते, दोपहर के खाने में नहीं खा सकते। इट इज ए प्रोसेस। खाना बनाने का भी एक प्रोसेस है, घर मकान बनने का भी एक प्रोसेस है, कंप्यूटर ऑन करने का भी एक प्रोसेस है, मोबाइल चलाने का भी एक प्रोसेस है, ताजमहल बनाने का भी एक प्रोसेस था। इन द सेम वे, मीन वाइल, वेस्टीज के अंदर 1 लाख रुपए कमाने का भी एक प्रोसेस है, और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा कंपलसरी। आप आज 4 लोगों को प्लान बता के, फिर 8 दिन तक बिजनेस को गैप दे के, फिर 4 दिन काम करके, फिर गैप दे के, फिर काम करके, फिर गैप करके, भाई साहब एक चीज याद रख लो, आप गैप कर रहे, आपके आने तक का इंतजार आपकी टीम क्यों करेंगी? आपके डाउनलाइंस ना वेस्टीज के ओनर्स को देख के आए, ना आपके अपलाइंस को देख के आए, आपके डाउनलाइंस आपका चेहरा देख के आए। डोंट एवर फॉरगेट दैट, उसको मत भूलिए कभी भी। वो आपका चेहरा देख के आए, वो आपके अपलाइन को बाद में देखना चाहते, पहले आपको उनके साथ देखना चाहते। कंपनी के ओनर से उनका कोई लेना देना है नहीं, उनका तो लेना देना सब कुछ आपके साथ है, और आप है 8 दिन साथ दे रहे, 8 दिन साथ नहीं दे रहे, घर के प्रॉब्लम्स बोल ले रहे, घर में उनको ठीक नहीं है, इनको ठीक नहीं है, बीवी काम करने नहीं दे रही, बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, उनको छोड़ के आना, ये करके आना, वो करके आना, रीजंस आप बोलने लग गए, तो सक्सेस भी आपको रीजन बन के रह जाती। आप एक प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप अगर प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, जब मन में आया एक हॉबी समझ के काम करेंगे, गाना गाना एक हॉबी है,
अब हॉबी बोल के सुबह से शाम तक गाना गाने को कोई भी नहीं पड़ते। जब दिल बोला, जब मन बोला, तब इंसान गाना गाता, क्योंकि गाना गाने का उसकी एक हॉबी है। डांस करना इंसान की हॉबी, इसका ये मतलब नहीं कि सुबह से शाम तक नाचते बैठो। जब मूड आता, जब एक मोमेंट बनता, एक सिचुएशन आता डांस करने का, तब वो इंसान अपनी हॉबी को ऑडियंस के सामने शो करना पसंद करता। आप वेस्टीज को जब मन में आया तब हॉबी के जैसा नहीं कर सकते। डूइंग वेस्टीज एंड अर्निंग इन वेस्टीज इज हैविंग ए प्रोसेस। वेस्टीज को आप कभी कभी करने की चीज, जब मन में आया तब करने की चीज अगर बनेंगे, तो फिर पैसा आपके पास हरगिज नहीं आएगा, ना लेवल आपके पास आएगा, ना पिन आपके पास आएंगी, ना आपके गोल्स अचीव होंगे, ना आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे। वेस्टीज को आप हॉबी के बगैर हैबिट बना लो, हैबिट बना लो। हैबिट, हैबिट का मतलब क्या? सुबह उठने के बाद आप बेजार भी आया आपको, तब भी आप ब्रश करते, बेजार हुआ तब भी आप पानी नहाते, बेजार हुआ तब भी आप खाना खाते, बेजार हुआ तब भी आप कपड़े पहनते। ये क्या, ये हॉबी नहीं, ये हैबिट। हैबिट वो है जो करनाइज करना है। हैबी वो है हॉबी जिसको नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 4 दिन ब्रश करे बिना नहीं रह सकते जिंदगी के अंदर। 4 दिन ब्रश करे बिना आप जिंदगी गुजार नहीं सकते। इट इज ए हॉबी, ये आपकी जिंदगी रोजमर्रा का प्रोसेस है कि भाई सुबह उठते ही मैं पहले नाश्ता कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं ब्रश करता हूँ। ऐसा दुनिया में कौन तो करे? रोड पे घूमने वाला पागल भी ये काम नहीं करता, और वो पागल को भी रोजमर्रे का प्रोसेस मालूम है। वेस्टीज के अंदर भी पैसे बनाने का एक प्रोसेस है जो आपके अपलाइन आपको बोल के देते हैं, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में आके बैठ के उस प्रोसेस को सीख के अमल करने से आपको रिजल्ट और आउटपुट इजीली मिल सकता। प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देश में प्रधानमंत्री बनने का भी एक प्रोसेस है। आपके स्टेट के एमएलए देश के प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। पूरी दुनिया के अंदर एमपी बनाने से एमपीस मिलके प्रधानमंत्री को बनाते, एमएलए प्रधानमंत्री को नहीं बनाते, एमपी प्रधानमंत्री को बनाते। सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि भाई दुनिया में कौन की शाहरुख खान के जैसा आदमी अच्छा फेमस है, रामदेव जी बाबा के जैसा ऐसा फेमस है, इसको प्रधानमंत्री बनेंगे। नो, देर इज ए प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का एक प्रोसेस है, देश चलाने का भी एक प्रोसेस है। जब देश चलाने का प्रोसेस है, जब चाय बनाने का प्रोसेस है, तो फिर 1 लाख रुपए वेस्टीज में कमाने का क्यों प्रोसेस नहीं है? हर चीज का प्रोसेस है, बस हमको उसका प्रोसेस नहीं मालूम है। वो प्रोसेस क्या, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, ये काम के बाद क्या करना, उस काम के बाद क्या करना, उस काम के बाद क्या करना, ये सीखना, ये समझना प्रोसेस है, और समझ के उसको अमल में लाना यानी एग्जीक्यूशन में लेके आना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ आप गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी वन नीड्स योर प्रोडक्ट। अब आगे नको पढ़ो, मैं जितना पढ़ रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो आप। इस धरती के ऊपर जो भी बंदे या बंदियां है, इंसान है, हर इंसान को आपके प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। आप हेलीकॉप्टर तो नहीं बेच रहे ना जो सिर्फ चंद लोगों को जरूरत है? आप एरोप्लेन तो नहीं बेच रहे ना जो सिर्फ दुनिया में चंद लोगों को जरूरत है? आप रॉकेट तो नहीं बेच रहे ना जो सिर्फ चंद लोगों को जरूरत है? आप तो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसकी जरूरत फकीर से लेके अमीर तक है। आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हर मर्द से लेके हर औरत तक जरूरत है। आप वो प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं जो बच्चे से लेके बूढ़े तक जरूरत है। आपके पास साबुन है जिसके बगैर इंसान का सुबह नहीं हो सकता। आपके पास पेस्ट है जिसके बगैर इंसान की सुबह नहीं हो सकती। आपके पास कुकिंग ऑयल है जिसके बगैर घर में खाना नहीं पड़ सकता। आपके पास शैम्पू है जिसके बगैर इंसान पानी नहीं नहा सकता। आपके पास चाय की पत्ती है जिसके बगैर आज 75% पॉपुलेशन जिंदा नहीं रह सकती।
आपके पास वो सप्लीमेंट्स है जो हर इंसान की आज जरूरत है, कैल्शियम, हर इंसान की जरूरत है स्पिरुलिना, हर इंसान की जरूरत है आज फ्लैक्स। आज 75% लोग जो देश के अंदर इंतकाल हो जा रहे या एक्सपायर्ड हो जा रहे, मर जा रहे, जान छोड़ दे रहे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, और उसका सोल्यूशन आपके पास है एलआरजी9, आपके पास है फ्लैक्स ऑयल, आपके पास है क्रिल ऑयल, आपके पास है क्वेंजाइम। जो इंसान की जरूरत है वो सामान आपके पास है, आप कितने पावरफुल हो समझ जाओ। एवरी वन नीड्स योर प्रोडक्ट, हर इंसान को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है। इट्स एवरीबडीज नीड, वो हर इंसान की जरूरत है। आपके साथ साथ आपके फैमिली की जरूरत है, आपके साथ साथ आपके खानदान वालों को भी वही प्रोडक्ट की जरूरत है, आपके साथ साथ आपके अड़ोस पड़ोस को भी वही जरूरत है, आपके साथ साथ हर वो इंसान जो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके सिटी में है, आपके देश में है, और आपके देश के बाहर भी अगर कोई है, हर इंसान को वो प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। बट प्रॉब्लम क्या है जो दुनिया में, गौर से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करिए, जो इंसान को जरूरत है दुनिया में वो आपके पास एज ए पावर है, एज ए पावर। इंसान को साबुन की जरूरत है, आपके पास वो है। इंसान को पेस्ट की जरूरत है, आपके पास वो है। इंसान के जिस्म के अंदर खून नहीं है, वो खून को तैयार करने वाली सप्लीमेंट स्पिरुलिना हमारे पास है। इंसान का वीकनेस हमारा पावर बन के, हमारा स्ट्रेंथ बन के हमारे हाथ में है, मगर द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू सेव। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हाउ टू सेल। लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, और लोगों की जरूरत हमारे पास है, और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को वो चीज लोगों तक कैसे पहुंचाना, इसका नॉलेज नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम, वी डोंट नो हाउ टू सेल। इंसान को अगर बेचने आ गया ना, तो इंसान गंजे को भी कंघी बेच देता। अगर इंसान को बेचने आ गया तो इंसान गंजे को भी कंघी बेच देता। बस इंसान को बेचना आना, और कुछ लोग बेचने का नाम लेते ही, ए वो बेचने करने के काम हमारे से नहीं होते भाई, वी कांट सेल एनीथिंग। बेचना मार्केटिंग का नाम लेते ही पीछे हट जाते, सेलिंग का नाम लेते ही पीछे हट जाते। एक्चुअल में दो चीजें आज आपको बता रहा हूं, सुनो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बेचने वालों के पास है, और अगर आपको सबसे ज्यादा पैसा होना है जिंदगी में, सबसे बड़ी कामयाबी होना है जिंदगी में, आपके खानदान के पहले करोड़पति आपको बनना है, तो आपको एक चीज सीखना जरूरी है, बेचना। दूसरी बात, आप बेचना नहीं चाह रहे, फिर भी आप हर रोज, हर क्षण, हर लम्हा, हर सेकेंड कुछ ना कुछ नोइंगली और अनोइंगली आप बेच रहे। यू आर सेलिंग समथिंग, आप बेच रहे, कुछ ना कुछ बेच रहे, आपको नहीं मालूम है आप बेच रहे। ऐसे कैसे सर? मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनो। जिस दिन आप इस दुनिया में पैदा हुए, उस दिन से लेके आज तक आप कुछ ना कुछ बेच रहे। ऐसा कैसे सर? जिस दिन आप इस दुनिया में आए, आप खुशी बेच रहे, खुशी, हैप्पीनेस। आज जब आप इस दुनिया में आए, आप रो रहे थे, आपके वालदेन, आपके पेरेंट्स हंस रहे थे, आप रो रहे थे, वो लोग लड्डू बांट रहे थे, आप रो रहे थे, वो लोग गले गले मिल रहे थे और मुबारकबादी देकर दे रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेशन दे ले रहे थे। तो आप रोते हुए भी खुशी को बेच रहे थे आपके पेरेंट्स को। पैदा होते ही आप, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपके खानदान को एक चीज बेच रहे थे रोते रोते, खुशी, खुशी। और वो लोग, वो आपके जो माँ बाप है, वो लड्डू पे खर्चा करके आपको खरीद रहे थे। आप बेच रहे थे, उन्होंने खरीद रहे थे, लड्डू पे खर्चा करके खरीद रहे थे। आपके फादर आपको नए कपड़े लेके आके आपको खरीद रहे थे, हॉस्पिटल का चार्ज पे करके खरीद रहे थे, लोगों को खाना खिला के हकीके के तौर पे आपको खरीद रहे थे।
घर में सेलिब्रेशंस के जरिए आपको खरीद रहे थे, और वो माँ, वो मदर 9 महीने से आपको खरीद रही थी, और फाइनली जब हकीकत में खरीदने की बारी आ रही थी तो 12 डेसिमल दर्द को आपको देके वो माँ आपको खरीद रही थी, और आप अपने आप को बेच रहे थे उस माँ के पास। सेलिंग के बारे में अगर मैं बैठूं तो मैं 10 किताबें लिख सकता हूँ, 10 किताबें। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जो आपको हंसा भी सकते हैं, आपको रुला भी सकते। इंसान पैदा इसी से अपने आप को और अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को बेचा, और आप बेचने निकलो, खरीदने वाले खुद ब खुद पैदा हो जाते। आपको सबसे पहले बेचना, आप सबसे पहले एक प्रोडक्ट को बेचे, और वो प्रोडक्ट का नाम था हैप्पीनेस, और वो खरीदने वाले आपके पेरेंट्स बन गए थे। वो लोग आपका दाम यूं लगा रहे थे, यूं जाके स्वीट शॉप्स के अंदर बोल रहे थे, 1 केजी काजू कटली दे दे भाई, 1 केजी मोतीचूर लड्डू दे दे भाई। रेट नहीं पूछ रहे थे, दे दे कितना हुआ, 1,000 रुपये ले, 2,000, हाँ ले। फर्स्ट क्राई में जाके कॉस्टलीस्ट कॉस्टलीस्ट कपड़े आपके लिए खरीद रहे थे, कॉस्टलीस्ट शूज आपके लिए खरीद रहे थे। वो लोग आपको खरीदने के लिए मोल नहीं लगा रहे थे, दे वर द बायर्स एंड यू आर द सेलर। और वो बदले में इतना पैसा खर्चा करके, आपकी माँ इतना दर्द, आपकी वालदा, आपकी आपकी मदर इतना दर्द को सह के क्या खरीद रहे थे? हैप्पीनेस फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए वो माँ की ममता खरीद रही थी, आपकी खुशी। और आप उनको बदले में क्या दे रहे थे? खुशी दे रहे थे। कैन यू इमेजिन, आप पैदा इसी से बेचना सीख। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके फादर्स, आपकी मदर पैसे खर्चा करके आपके नॉलेज को खरीद रहे थे, आप उनको आपका टैलेंट बेच रहे थे पढ़ के। आप उसके बदले में उनको हैप्पीनेस बेच रहे थे, अगेन पास होके क्लास में टॉपर आके। फाइनली एक जॉब लग गई आपको, तो सबसे ज्यादा खुशी आपसे पहले आपके पेरेंट्स को हुई, जब भी आप अपने माँ बाप को हैप्पीनेस बेच रहे थे और उन्होंने उसके बदले में फिर से पैसे लगा रहे थे आप पे। एक पुलिस अपना स्किल, अपना टाइम, अपना एनर्जी सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक चौरस्ते पे ठहर के, सर्कल पे ठहर के सेल कर रहा था। एक टीचर स्टूडेंट्स के सामने ठहर के क्लासरूम के अंदर अपने स्किल्स, अपना नॉलेज बच्चों को बेच रहे थे बदले में 10,000 रुपए की तनख्वाह के लिए। एक वाइफ अपना पूरा टाइम, अपना पूरा हार्डवर्क, अपने पूरी फैमिली, अपना पूरा खानदान को बेच रहे थे सिर्फ आपको खुश करने के लिए, और आप उसके बदले में पूरी जिंदगी मेहनत करके उनको कमा के खुश कर रहे थे। आप उनको खरीद रहे थे, उन्होंने आपको खरीद रहे थे, बदले में दोनों अपने आप को बेच ले रहे थे। उन्होंने उनके पूरे खानदान को छोड़ के आके अपने आप को आपको खुश करने बेच रहे थे, और आप उनको खुश करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मार्केट में मेहनत लगा के उनको ला ला के उनके ड्रीम को फुलफिल कर रहे थे। ईच एंड एवरी पर्सन इज सेलिंग, ईच एंड एवरी पर्सन इज बाइंग। सेल जो है ना, ये हमारे खून में है, पूरे इंसान के जिस्म के अंदर जो खून दौड़ रहा ना, वो उसके अंदर है सेल। आपको मालूम ही नहीं है कि आप सेल कर रहे। लोग क्या बोलते, सेल करना, साबुना बेचना, अरे भाई तू कुछ ना कुछ पैदा पैदा होते ही बेच रहा। पॉइंट को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ ना कुछ बेच रहे। और सेलिंग स्किल्स मैं सिखाने की जरूरत नहीं, आपके पास इनबिल्ट है बाय बर्थ। कैसे सर? समझो, अगर आप तरकारी के मार्केट को गए, वेजिटेबल मार्केट को गए, कितना भाई टमाटे, टमाटो कितना भाई, 1 किलो टमाटो, ओहो 100 रुपए, 100 रुपीज, 100 रुपी किलो बोला कौन, वेजिटेबल वाला। आप क्या बोल रहे, 90 कर लेके दे दो ना भाई, 4 किलो होना 90 करके दे दो। आप उसको क्या कर रहे, बार्गेन कर रहे।
आप क्या कर रहे हो, उसको अपना टैलेंट सेल कर रहे हैं, 10 रुपए बचाने के बाद 4 किलो में 40 रुपए बचा रहे। अब वो बंदा क्या कर रहा, नहीं, 95 में दे दो। आप क्या बोल रहे हो, 90 में दो। नहीं, 95 से कम नहीं है, जान दे भाई, तेको नको मेको नको, 92 में दे दो, 92 में दे दो। ये जो आप उनके साथ कन्वर्जेशन कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट मार्केटिंग। ये छे सेलिंग, ये छे मार्केटिंग, बार्गेनिंग इज मार्केटिंग, बार्गेनिंग इज। ये जो टैलेंट आपके पास था, 100 रुपए से 90 पे जाके 92 पे आना, 8 रुपए बचा लिए आप। यानी 8 रुपए आप अपने स्किल्स को बेच के 8 रुपए कमा लेके आए आप। ये तो नॉलेज हमारे औरतों के अंदर कूट कूट के भर के है, जो मार्केट में जाके लेके आते हैं वेजिटेबल की। कहाँ नहीं है सेलिंग, हर जगह सेलिंग है। और सबसे ज्यादा बइंग एंड सेलिंग कहाँ चलता बोलो, सबसे ज्यादा बइंग एंड सेलिंग उस जगह। तो हर इंसान अनपढ़ से अनपढ़ भी टैलेंट दिखाता सेल का, अनपढ़ से अनपढ़ भी दिखाने स्टार्ट कर देते। मैं, मेरे से बेहतर सेलर कोई भी नहीं, मेरे से बेहतर बइयर कौन भी नहीं। कहाँ बोलो, लड़की देखने जाते, देखो रिश्ता देखने, पैगाम लेके। वहां पे लड़की क्या पढ़ के है, आप पूछ रहे सवाल खरीदने के वास्ते, उन्होंने दे रहे जवाब बेचने के वास्ते। हा, क्या है, देखे प्रोसेस सेलिंग का। आप पूछ रहे लड़की क्या पढ़ के है, उन्होंने बोल रहे उन्होंने बी कॉम पढ़े तो भी एम कॉम बोल रहे। समझ में आ रहा पॉइंट। अब सबसे ज्यादा बइंग एंड सेलिंग कहां चलता बोलो, हमारा लड़का भी इंजीनियरिंग करके है, कितने देते, कितना देते जोड़े की रकम, 5 लाख रुपए होना हमारे। उन्होंने बोल रहे नहीं, 3 लाख रुपए। अरे नहीं, 5 लाख रुपए, नहीं, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, नहीं, 5 लाख, 5 लाख, नहीं, 3 लाख, 3 लाख। हाँ, क्या बइंग सेलिंग हो रही भाई। यहाँ पे प्रोडक्ट कौन, उनकी बेटी, आपका बेटा। पॉइंट समझ में आ रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। सबसे ज्यादा टैलेंट हमारे देश में है बइंग एंड सेलिंग का, और हम बोल रहे हैं हम आपको प्रोडक्ट बेचने नहीं होता। आप जाओ जी बाहर, एक बार आप बाहर नहीं गए जैसा, अभी कनेक्ट करके देखो अपने लोगों के अंदर। आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास क्या क्या की है आज के दौर पे। तो लीड्स लेना तो इतना आसान है, इतना आसान है, मैं क्या बताऊं। आप ना चाहते हुए भी कोई ना कोई आपको फोन से ही एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं व्हाट्सएप के अंदर। वो ग्रुप के अंदर जितने भी कॉन्टेक्ट है, 200, 300, 400 निकाल लो, एक लिस्ट बनाओ, उनको आपका बिजनेस के बारे में बोलते जाओ। हु आर यू बोल के पूछे, आई गॉट योर नंबर फ्रॉम समवेयर एल्स, सो आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, प्लीज इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। सिंपल सी चीज, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी में वो करो, तेलुगु में करो, कन्नड़ा में करो, मराठी में करो, जिसमें चाहते आप करो, मगर कुछ तो हरकत करो बरकत के लिए, बिना हरकत के बरकत। और इस पॉइंट को लेके आखिरी एग्जाम्पल, आप जितना बड़ा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना ज्यादा पैसे कमाएंगे, जितना छोटा प्रोडक्ट बेचेंगे उतना छोटा पैसा कमाएंगे। एग्जाम्पल देखो, टाटा नैनो, टाटा शोरूम के अंदर टाटा नैनो बेच रहा है एक आदमी, मर्सिडीज बेंज के शोरूम के अंदर मर्सिडीज बेंज कार बेच रहा है एक आदमी। जो सेल्समैन है शोरूम के अंदर, वो इंसान भी टाटा नैनो के को बेचने के लिए जितनी मेहनत लगा रहा, मर्सिडीज बेंज का सेल्समैन भी उतनी मेहनत लगा रहा, मगर टाटा नैनो बेचने वाले को एक कार बेचने पे 2,000 इंसेंटिव मिल रहे, और मर्सिडीज बेंज बेचने वाले को एक कार बेचने पे 15,000 पे इंसेंटिव मिल रहे। दोनों की मेहनत सेम, दोनों का एफर्ट सेम, दोनों की हार्डवर्क सेम, दोनों का प्लेटफॉर्म सेम, बट इसको 2,000 मिल रहे, उसको 15,000 मिल रहे, वही क्यों? क्यों? क्योंकि ये बंदा छोटे प्लेटफॉर्म में है, वो बंदा बड़े प्लेटफॉर्म में है। आप 2 लाख की कार बेच के 2,000 कमाना चाह रहे हैं क्या, 50 लाख की कार बेच के 15,000 कमाना चाह रहे हैं, इट इज लेफ्ट टू यू। मगर एक चीज याद रख लो, आप छोटा प्रोडक्ट बेचने जितनी मेहनत लगाना पड़ता, सेम मेहनत सेम एफर्ट्स आप बड़ा प्रोडक्ट बेचने भी लगाना पड़ता। इसलिए आप फ्लैक्स ऑयल बेचने के बदले एलआरजिनिन बेचना स्टार्ट करो, एलोवेरा के साथ साथ कॉम्बायोटिक्स बेचना स्टार्ट करो, स्पिरुलिना के साथ साथ आंवला बेचना स्टार्ट करो, ग्लूकोसामाइन के साथ साथ कोलोजन बेचना स्टार्ट करो। आप जो ज्यादा बेचना कोशिश करेंगे, इंसान लेना स्टार्ट करेगा। बी पॉजिटिव। बेच रहा तो टाटा नैनो वाला भी कारिच, मर्सिडीज वाला भी कारिच, मगर इन्हें 10 कार बेचे तो जितना मिलता, ये बंदा एक कार में कमा ले रहा। क्यों?
क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्ट छोटा है, इसका प्रोडक्ट बड़ा है, इसका माइंडसेट छोटा है, इसका माइंडसेट बड़ा है, इसके गोल्स छोटे हैं, इसके गोल्स बड़े हैं, इसके ड्रीम्स छोटे हैं, इसके ड्रीम्स बड़े हैं, इसके टारगेट्स छोटे हैं, इसके टारगेट बड़े हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी भूख छोटी है, इसकी भूख बड़ी है। आपकी भूख कितनी है इज इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ेंगे। टिप्स टू ग्रो योर बिजनेस, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले एक चीज याद रख लो, वेस्टीज के अंदर 450 प्रोडक्ट्स नहीं है, सिर्फ दो प्रोडक्ट्स है। ओनली टू प्रोडक्ट्स वेस्टीज इज हैविंग, एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स, दूसरा प्रोडक्ट प्लान। सारे 450 प्रोडक्ट्स को मिलाए तो एक प्रोडक्ट बनता, और मार्केटिंग प्लान एक प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट है हमारे पास। गौर से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करके, अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे लोगों को तो आप सेल्समैन बनेंगे, मगर अगर आप किसी को प्लान बेचेंगे तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग के किंग और क्वीन बन सकते हैं। ऐसे कैसे सर? लेट मी एक्सप्लेन। अगर आप मुझे प्रोडक्ट बेच रहे तो मुझे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का मैं प्रोडक्ट लेके बाय बोल के निकल जाता, मगर अगर आप मुझे प्लान बेच रहे तो वो प्लान में मैं ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट लेना जरूरी है मेरे लिए। अगर मैं प्रोडक्ट बेचूंगा तो मैं बंदा प्लान नहीं खरीदता, अगर मैं प्लान बेचूंगा तो प्लान खरीदने के लिए प्रोडक्ट खरीदना जरूरी है। होशियार इंसान प्रोडक्ट नहीं बेचता, प्लान बेचता। पॉइंट समझ में आ रहा? अगर समझ में आ रहा तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं HAAN। हाँ बोल के। डेली 10 प्लान्स और 2 होम मीटिंग्स जो करेंगे, आप टाइप करते जाओ, मैं मीटिंग करते जाता हूँ। 10 प्लान डेली, कौन बता रहे? 10 प्लान्स डेली, हर बंदा 3-4 प्लान बता के क्या है, नरम हो जा रहा। 10 प्लान्स डेली, आज आप हार्डवर्क करेंगे कल आप आराम कर दो। आज आप आराम आराम से काम करें तो फिर मुश्किल कर दे, मुश्किल जीना इश्क कमी ना बोलते ना ऐसा। 10 प्लान डेली आपको करना है। अगर 10 प्लान नहीं हो सके तो 2 होम मीटिंग आपको करना जरूरी है, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। भाई इससे बड़ा फॉर्मूला ये दुनिया में कौन सा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, क्रोनोलॉजी को समझो। क्रोनोलॉजी क्या? आपको ये बिजनेस में पैसे कौन देते हैं? कंपनी के ओनर बाली साहब। क्यों देते? क्योंकि आप उनको पीवी देते, ठीक है, आप पीवी दे रहे, आपको पीवी कौन दे रहे? क्रोनोलॉजी समझो आप, स्टेप बाय स्टेप। पीवी आपको कौन दे रहे? टीम दे रही। टीम क्या करने से आ रही? सिंपल, डेली प्लान बताने से आ रही या फिर होम मीटिंग करने से आ रही। अब हम वॉच नहीं करेंगे तो फिर टीम कहां से आएंगी? टीम अगर नहीं आ रही तो पीवी कौन देंगे? पीवी अगर नहीं देंगे तो गौतम बाली साहब पैसे कैसा देंगे? सिंपल सी चीज, आपको अगर पैसे नहीं आ रहे तो आप उनको पीवी नहीं दे रहे। आप उनको पीवी नहीं दे रहे क्यों? क्योंकि आपके पास टीम नहीं है। आपके पास टीम इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये काम नहीं कर रहे। एज सिंपल एज इट इज। तो फिर क्या करना सर? सिंपल सी चीज, होम मीटिंग ना करो, रोज के 10-15 प्लान बताओ। इससे क्या होता सर? लोग सुनते, लोग आपके पास ज्वाइन करते, वो लोग आपको प्रोडक्ट परचेस करके पीवी देते, वो पीवी आप किसको देते? गौतम बाली साहब को। उसके बदले में गौतम बाली साहब क्या देते? पैसे देते। उसके बदले में आपको क्या मिलता? जिंदगी खुश। उसके बदले में आपको क्या मिलता? जिंदगी एंजॉय। सिंपल सी क्रोनोलॉजी है। कुछ लोगों क्या बोलते हैं, सर हम क्या डिफरेंट करें तो पीवी आती? कुछ भी नको करो अम्मा, ये जो पॉइंट दिख रहा इतना करो। क्या क्या की करने जाते लोग, जरूरत नहीं है। इसलिए एक बहुत बड़े ऑथर एक बात बोलते, क्या मालूम, अमेरिका के एक ऑथर, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मे बी उन्होंने बिल गेट्स होंगे, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन एंड ऑथर है उन्होंने, एक चीज बोलते क्या मालूम, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जिसके इंग्लिश आता होना समझ में आ जाते। लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, लीडर्स है ना, जो इंसान बिजनेसमैन रहता या लीडर रहते,
उनो नए नए चीजा नहीं करते, उनो है सो चीजों कुछ नए नए तरीकों से करते। लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी सेम कामों को अलग अलग रूप से करने वाले को लीडर बोलते। होम मीटिंग, सर घरों में जाके करना क्या, वो लीडर का काम। अगर आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनना है, अगर आपको एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर बनना है, तो आप होम मीटिंग का करते साथ साथ आप अपार्टमेंट्स में जाके मीटिंग करो, पुलिस स्टेशन में मीटिंग करो, क्या बोलते हैं, LIC ऑफिसर्स में मीटिंग्स करो, बैंक्स में मीटिंग्स करो, आशा वर्कर्स के साथ जाके काम करो, आपके खानदान के खानदान के खानदान के खानदाना के खानदाना के खानदाना रहते, इन लोगों को सब जोड़ो। आप तो उनको पत्ते खेलने नहीं बुला रहे, जुआबाजी करने नहीं बुला रहे, उनकी बीमारियों को दूर करने का जरिया बनने बुला रहे, तो इसमें कैसी शर्म। उन्हों क्या समझते कि इन्हों क्या समझते कि उन्हों क्या बोलते कि इन्हों क्या बोलते कि इंडिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उन्हों क्या समझते कि ये लोग क्या समझते कि वो क्या, तो भी समझे नहीं। देखो मैं अपनी किताब में एक चीज लिखूं क्या मालूम, उन्हों क्या समझते कि इन्हों क्या समझते कि ये सब मैं समझ लिया, तो फिर लोग क्या समझना, लोग क्या समझते कि मेरे बारे में बोल के भी अगर मैं समझ लिया, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या समझना। जरा आपके बारे में उनको भी सोचने दो। पॉइंट समझ में आ रहा, मार्केट बहुत बड़ा है, हम उस देश के अंदर है जिस देश के कब्रस्तान में भी 50 लोग मिल जाते, हम उस देश के अंदर है जिस देश के शमशान में भी 50 लोग आराम से मिल जाते। लोगों की कमी है च नहीं हमारे देश में, वी आर द नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, हम नंबर 1 है पॉल्यूशन पॉपुलेशन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होम मीटिंग्स, रोज आप कर रहे क्या नहीं, कब की एक बार करने वाले को नहीं बोलते, रोज डेली डेली होम मीटिंग कर रहे, राइट, वेरी गुड। अगर डेली होम मीटिंग नहीं कर रहे तो दाल में कुछ काला है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो बोलो हाँ, समझ में आ रहा तो बोलो हाँ, आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये जो पॉइंट है ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये डायरेक्टर्स एंड अबो के लिए है, जो भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स एंड अबो यहाँ बैठे हैं उनके लिए है ये, सुनिए। आप अपने टीम के अंदर, ब्रॉन्ज एंड अबो, आप अपनी टीम के अंदर जो होम मीटिंग्स और 1-to-1s आपके टीम के लोगों को करके दे रहे, उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपको करना क्या है, इंडिविजुअली आपकी टीम के छोड़ के आपके अलग से महीने में 50 1-to-1s करना जरूरी है। महीने में बोल रहा हूँ, रोज बोले तो खत्म हो जाएंगे, महीने की बात करूं, यानी महीने में आप 5 दिन फैमिली को दो, 25 दिन काम करो, रोज के दो आपके इंडिविजुअल सेपरेट प्लान्स। ये मेरे उस्ताद मेरे को बोल के दिए थे, मैं आपको बोल के दूं, आज से मेरे ख्याल से 9 साल पहले, आज से 9 साल पहले जब मैं स्टार डायरेक्टर था, मेरी 4वीं टीम नहीं उठ रही थी, मैं डायमंड नहीं बन पा रहा था, तो एक होटल में मेरे अपलाइन मुझे बिठा के बोल के दिए कि आप एक काम करो, अगर आपको नई टीम उठाना है तो इंडिविजुअल 50 1-to-1s आप करो, इंडिविजुअल 1-to-1, आपके नए गेस्ट्स को आप लेके आओ, आपकी टीम के साथ साथ काम करते हुए, आपकी टीम को काम करके देके सेपरेटली आप CNT में लोगों को लेके आओ, अपने पर्सनली आप लोगों को प्लान बताओ, आपके अपलाइन का साथ लेके पर्सनली आप अपने घर के अंदर हर 15 दिन में एक बार अपने अपलाइन को बुला के मीटिंग करो, होम मीटिंग करो पर्सनली, आपकी टीम को करके देना भी आपका फर्ज है, और सेपरेट में इंडिविजुअल आपको काम करना भी आपका फर्ज है, क्योंकि आपको 6 लेना उठाना है, 1-2 नहीं 6 लेना उठाना है आपको, रोज के नहीं, महीने में अगर आप 50 करेंगे, उसमें अगर एक भी टिक के काम करेंगे, तो एक महीने में एक नई लाइन आपकी बन जा रही है साहब, 6 महीने के अंदर 6 नए लाइन बन जा रहे, अगले 2 साल के अंदर 6 लाइना भी अगर आपको येलो भी दे दिए, मैं चैलेंज करता हूँ 20 साल काम करने की जरूरत नहीं, 2 साल के अंदर आपको 1,12,000 से भी ज्यादा चेक बन जाता, 1,12,000 से भी ज्यादा चेक बन जाता।
ये डायरेक्टर संडबो के लिए है, उसके ऊपर का सबके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमम 8% अचीवर्स को अपनी टीम के अंदर क्रिएट करना है। सबसे ज्यादा बिजनेस अगर कहीं बढ़ता तो वो क्राउन या यूसीडी या डीसीडी या डीयूसीडी या वीएमसीएम नहीं देते। सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ बढ़ता मालूम? 5 परसेंटर को 8% बनाने के लिए, जो 300 पीवी करने का है ना, वहां अगर आप 10 लोगों को 8% बना रहे तो आप 3,000 पीवी निकाल रहे। 20 को बना रहे तो आप निकाल रहे 6,000 पीवी। अगर आप 30 8 परसेंटर्स को 1 महीने में क्रिएट करें तो आप 9,000 पीवी बना रहे। अगर आप 100 8 परसेंटर्स को बना रहे तो आप 30,000 पीवी बना रहे। तो 5 परसेंटर्स पे फोकस करो, उनको 8 परसेंटर का टारगेट दो। 8% बनने के लिए 300 पीवी होना पड़ता। 300 पीवी में ऑलरेडी उन्होंने 100 पीवी निकाल लिए रहते ज्वाइन होके। उनको बोलो आपके घर के अंदर होम मीटिंग रखो, आप लोगों को मुझे मिलाओ, मैं अगले 4 दिन के अंदर आपको 8% बना के हाथ धो लेता हूँ आपसे। ये बोलो मैं आपके पीछे हूं, आपके कंधे पे मेरा हाथ है, बीइंग ए अपलाइन। मैं परसों एक व्हाट्सएप में स्टेटस लगाया था, क्या हर डाउनलाइन को सिर्फ एक चीज की जरूरत है अपने अपलाइन से? क्या? शोल्डर ऑन हैंड ऑन हिज शोल्डर। अपलाइन का हाथ डाउनलाइन के खांदे पे और अपलाइन के जुबान से चंद वर्ड्स, क्या कि तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम काम करो मैं तुम्हारे साथ हूं। दिस इज व्हाट ए डाउनलाइन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज अपलाइन। एक डाउनलाइन अपलाइन से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता, इससे बढ़ के कुछ नहीं। अगर आप वो चीज दे देंगे अपने डाउनलाइन की, भाई तुम आगे बढ़ो मैं हूं आपके साथ, आपको जो ट्रेनिंग होना मैं करता हूँ, आपकी हर हार में मैं हिम्मत बन के आपके साथ खड़ा हूँ, हर मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ टीम आई तब भी मैं आपके साथ हूँ, आपको टीम छोड़ के गई तब भी मैं आपके साथ हूँ। दिस इज वॉट योर डाउनलाइन नीड्स फ्रॉम यू। आप अगर 5 परसेंटर्स पे फोकस करके 8% बनाने की फोकस करेंगे तो मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगले 6 महीने के अंदर आप एक बहुत बड़े लीडर बन जाते और आपकी टीम के अंदर ऐसे लीडर्स क्रिएट करते जिसका आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे थे। ये बहुत बेसिक थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये सबसे बड़ा रामबाण बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस। मैं तो बोलता हूँ ये रीढ़ की हड्डी है इस बिजनेस की, बैकबोन ऑफ इंडिया। जैसे किसान है वैसा बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, इस बिजनेस का बैकबोन कंसिस्टेंसी है। कितने कंसिस्टेंसी होल्डर्स हैं आपकी टीम के अंदर? और उससे पहले मेरा सवाल, क्या आप हर महीना कंसिस्टेंसी कर रहे हैं? लोग मेरे को पूछे सर ये 200 पीवी और 300 पीवी का जो पैक दिए ना, वेल्थ पैक। परसों बेंगलुरु में था मैं, बेंगलुरु में एक जने मुझे फोन किया, पूछे उनके लैंग्वेज में, शब्बीर सर ये जो 200 पीवी और 300 पीवी का जो पैक दिए ना, वेल्थ पैक, ये इसमें ग्लूकोज समय ना 3 लेना गते, नोनी 3 लेना गते, सीएम डैन 2 लेना गते, ऐसा कैसा होता शब्बीर सर? बोले मैं बोले अरे बाबा ग्लूकोस महीना 3 3 ले को तुझ खाको मर के तो नहीं बोल रहा गौतम वाली, नोनिया 2 2 ले को तुझ खाको मर के तो नहीं बोल रहा, सीएमडी ग्लास में डालने को पी उसके वास्ते 2 2 लेवल को नहीं बोल रहा बाबा, तुझे हो ना तो घर में रख ले नहीं तो बेच ले को मर बोल को बोल रहा बोला मैं भी उसके स्लांग में। 3 ग्लूकोसामाइन क्यों रखे? इसलिए रखे क्योंकि आप घर में अगर आपके प्रोडक्ट है तो आप बेचने की फोकस करते हैं, आप बेचने पे लग जाते हैं उसको, तो आपकी सेलिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये एक ऑफर आके है, घर में रखने के लिए ऑफर नहीं आके है ये आपके पास अगर प्रोडक्ट रहेगा तो आप ज्यादा बेचने पे फोकस करते हैं। हमारी इंडस्ट्री का नाम क्या? डायरेक्ट सेलिंग, यानी डायरेक्ट बेचना। आप बेचने पे फोकस नहीं कर रहे, लोग बेचने पे फोकस कम और ब्लेमिंग पे फोकस ज्यादा, बेचने पे कम ब्लेमिंग पे ज्यादा। ब्लेमिंग का मतलब क्या? अगर डायरेक्टर बन गया या बन गई तो मेरी मेहनत थी, अगर क्वालिफाई नहीं हुआ या नहीं हुई तो अपलाइन की गलती थी। ब्लेमिंग पे चल रहे, बेचने पे नहीं चल रहे, दिस इज द प्रॉब्लम। अपलाइन पे डिपेंड हो जाते। अभी कुछ ऐसे हमारे कर्णा में बोलते प्रलयान तकरू बोल के, मतलब
कैसा मालूम, ये तूफानी लोग है ना, तूफानी लोग है ना, ऐसे रहते अपलाइन काम करके एक लाइन येलो भी दिए तो मैं काम करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, वो बोलते शर्म आना, बोलते मुझे शर्म, अपलाइन कई को साफ करके देगा, अपलाइन को भी बीवी है, अपलाइन को भी बच्चे है, अपलाइन को भी वालदेन है, माँ बाप है, पेरेंट्स है, अपलाइन को भी घर है चलाने के वास्ते, अपलाइन अपलाइन का देख लेंगा, अपना देख लेंगा क्या, आपका देख लेंगा, अपलाइन आपको टीम डाल के देने या येलो भी टीम बना के देने या आपको पीवी डाल के देने या आपका साइड मेंटेन करा के देने, गुलामगिरी करने के वास्ते नहीं है अपलाइन। अपलाइन को एक चांद की तरह देखना, चांद हर रोज नहीं नजर आता, चांद नजर आने के कुछ खास दिन है, तो अपलाइन को चांद समझो। हर जगह स्लम में भी अपलाइन, पॉश में भी अपलाइन, नीचे भी अपलाइन, ऊपर भी अपलाइन, आजू भी अपलाइन, बाजू भी अपलाइन, स्टेज पे भी अपलाइन, घरों में भी अपलाइन, डिलीवरी बॉय भी अपलाइन, टेंशन आया तो अपलाइन, क्या ये अननेसेसरी। मैं एक बात बोलता हूँ, जब बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, पेरेंट्स मेरे हैं, घर मेरा है, जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, तो मेहनत भी मैं करूंगा, अपलाइन क्यों करेगा? पॉइंट को समझो, अपलाइन के भी तो सपने हैं, वो बंदा अपने लिए काम करेगा, अपलाइन के भी तो बीवी बच्चे हैं, उनके लिए काम करेंगे, अपलाइन की भी खुद की जिंदगी है, उन्हों खुद की जिंदगी के लिए काम करेंगे, आप अपनी जिंदगी के लिए काम करो। अपलाइन को एक चांद की तरह रख लो, जब भी आपको बेजारगी आ रही तो फोन करो, सर मुझे कहीं को कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, जरा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा सर, बोलो। जब अपलाइन पुश करने का काम कर, जब अपलाइन पुश करे, आप एक ब्यूटी पार्लर खोलो, 3 महीने तक ब्यूटी पार्लर में कस्टमर इच नहीं है, आप बेजार आ गए, आप 3-4 लाख रुपए लगाए, बेजार आ गए, आप पैसे 4 लाख रुपए लगा दिया मैं, लगा दी मैं, लोग आश नहीं आ रहे ना, क्या करूं, बेजार हो गए, वहां कौन तो अपलाइन एग्जिस्ट होते आपको मोटिवेट करने, वहां अपलाइन इश नहीं है, आप अपने खुद के बॉस है, वहां नो अपलाइन एग्जिस्ट वहां पे, और आप क्या करते हैं, मैं लगाऊं पैसा, कुछ ना कुछ जिद्दोजिहाद करूंगा अब मैं, या करूंगी मैं, अब क्या मैं मार्केटिंग करूंगी इसकी, ठीक है, मैं वहां जाके इसके ब्रोचर्स बटूंगी, यहाँ जाके स्टिकर्स लगाऊंगी, वो ग्रुप्स के अंदर बोलूंगी, मेरे दोस्तों को फोन करके बोलूंगी कि मैं ब्यूटी पार्लर खोली, मैं खानदान में फोन करके बोलूंगी, वो कुछ ना कुछ जिद्दोजिहाद करके अपना बिजनेस को सरवाइव करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप अपलाइन से एक्सपेक्ट करने से अच्छा, जब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो कुछ तो जिद्दोजिहाद करो कि मैं अब बाहर निकलूंगी, अब मैं खानदान में बात करूंगी, अब मैं वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ तो करूंगा, घर में नहीं बैठूंगा, या घर में बैठूंगा भी तो चुप नहीं बैठूंगा या बैठूंगी, कुछ ना कुछ मैं अब करते रहूंगा या रहूंगी। ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए फोकस करो, ज्यादा से ज्यादा देखो, ये बिजनेस जो है चलता फिरता दुकान है, जहां आप बैठे वहां आपका दुकान है, जहां आप रुके वहां आपका दुकान है, और ये दुकान के कोई दरवाजे या शटर नहीं है, आपके जो लिप्स है ना, ये लिप्स आपके दुकान के दरवाजे है, डोर्स है, शटर है, जितना ये बात करते रहेंगे उतनी देर तक आपका दुकान खुला है, जितनी देर तक आप इसको मूंछ के रखेंगे, और जितनी देर तक आप इसको मूंछ के रखेंगे तो आपका दुकान बंद है, रिमेम्बर दैट, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, एक तो लगातार काम करना या फिर लगातार बिजनेस को आगे बढ़ाना और लगातार नए नए लोगों को लेके आना, जैसा आपका जिस्म में नया खून अगर नहीं आया तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहती, वैसे ही आपकी टीम के अंदर नए लोग अगर नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस हेल्दी नहीं रहता, आगे बढ़ेंगे। मंथली लर्निंग, हर महीना आप क्या नया सीखे, कितने मीटिंग्स को अटेंड करें, अरे वो चो बात करे सोच बात करते, बोले सोच बोलते, वो थालियां मारना, सुने सोच सुनना, सुनना
जब तक आप सुने सोच सुनना, उस वक्त तक आप सुने सोच सुनना, जिस वक्त तब तक आप सुने सो स्टेज पे ठहर के सुनाने वाले नहीं बन जाते, तब तक आपको सुने सो सुनना पड़ता। उस वक्त तक आपको थालियां मारना पड़ता जिस वक्त तक आपके लिए लोग थाली मारने वाले पैदा नहीं होते। आपको सुने सोच सुनना, मैं 11 साल से सुन रो एस्ट्रोनॉट्स वाले स्पिरुलिना खाते कते, रोज पीस खाते कते, उनको खाना च नहीं कते, हमें भोंडा भज्जी खाए सो अंदर जाको ट्राइग्लिसराइड होता कते, वो अंदर जाको चर्बी बन जाती कते, हाँ वो जाको रगों के बीच में बढ़ जाती कते, रगा छोटे हो जाते कते, हाँ खून का सरफराज होना स्लो हो जाता कते। 11 साल से सुन रो थालिया मार रो, अब मैं वो बोल रहा हूँ लोग थालिया मार रहे, और मैं बोले सोच बोलतू कब तक, जब तक आप मैं बोले सो आप बोलने वाले नहीं बन जाते, उस वक्त तक मैं बोले सोच बोलतू। आप सुने सोच सुनना, सुने सोच सुनना कब तक, जब तक आप सुने सो सुनाने वाले नहीं बन जाते तब तक आप सुने सो सुनना। थालियां मारना कब तक, जब तक आपकी बातों को थालियां मारने वाले पैदा नहीं होते। इसलिए हर महीना सीखना। परसों मैं हमारे एक लीडर को बोल रहा था, हमारी टीम कैसी बन गई मालूम, वो मछुआरा मछुआरा मालूम, फिशरमैन फिशरमैन क्या करते मालूम, मच्छी पकड़ने वाले, एक कुंडी को एक कछुआ लगा के पानी में डालते। अब एक मछली वो कछुए को खाने के वास्ते आती, मुंह खोलती कछुआ खाने के वास्ते, हल्लाख में कुंडी अटक जाती। मच्छी पकड़ने के वास्ते हमें कछुआ दिखाना पड़ रहा है, यानी बिजनेस को आप बढ़ाना है, हम आपको आओ मीटिंग को आओ, मीटिंग को आओ, मीटिंग को आओ, कम टू मीटिंग, कम टू मीटिंग, डोंट मिस द मीटिंग, डोंट मिस द मीटिंग, पोस्टर में लिख लिख के भेजना है। वो मच्छी पकड़ने के वास्ते ये कछुआ लगाने का काम आ गया है। भाई अगर आपको समुन्दर का राजा बनना है तो राजा कैसे बना जाता उसको सीखना भी है। ऐसे कोई राजा नहीं बनता। मैं कल एक फिल्म देख रहा था, फिल्म ऐसा आज मेरा क्या कि मूड आउट था कहीं के मैटर में, तो वो कौन सा डिज्नी हॉटस्टार में एक मूवी देख रहा था, वो मूवी का नाम तन्हाजी, तन्हाजी तानाजी, तानाजी तान्हाजी, वो किसका, सैफ अली खान और अजय देवगन, उसमें की जो स्टोरी है, मैं ये लव स्टोरी नहीं देखता, जो ट्रेंडिंग में बोल सकता हूँ ऐसी स्टोरी देख, ये कहानी से मैं इतना प्रेरित हुआ, इतना इंस्पायर्ड हुआ। सुनो, बादशाह आलमगीर और छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। बादशाह आलमगीर अपने एक कमांडो को छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के वास्ते भेजते, और छत्रपति शिवाजी महाराज अपने कमांडो को बादशाह आलमगीर के कमांडो को खत्म करने के वास्ते भेजते। पुणे में एक फोर्ट है, वो फोर्ट का नाम कुंठाना, वो कुंठाना फोर्ट को जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट को अटैक करने का इनका प्लान बादशाह आलमगीर के कमांडो का। अब ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कमांडो है उनको इंफॉर्मेशन चले जाता कि ये जो आलमगीर महाराज, ये जो बादशाह है, उनका जो कमांडो जिस रास्ते से कुंटाना फोर्ट को आ रहा वो रास्ता ये रहेगा, हमें उन्हें आने से पहले जाके यहाँ पहाड़ों पे बैठ जाएंगे, उन्हें आने से पहले हमें अटैक कर देंगे, उसको रास्ते में खत्म कर देंगे। तो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कमांडो अजय देवगन है, अजय देवगन के फौज के अंदर एक बंदा अजय देवगन की फौज को धोखा देके बादशाह आलमगीर का जो कमांडो है उदय भान, उसको जाके सैफ अली खान को बोल देता कि तुम्हारे इसी रास्ते से आने का इंफॉर्मेशन उनको मिल को है, तुम्हें ये रास्ते से अगर आ रहे तो उन्होंने तुम ना आने से पहले अटैक कर देते, रास्ते में खत्म कर देते,
और ये जो बड़ी तोप जो तुम्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के फोर्ट को उड़ाने के वास्ते लेको आ रहे कुंटानाकू, इसको रोड पेज खत्म कर देने के प्लानिंग में है, तुम्हें क्या तो एक प्लान करो। कौन बोला? इनका चदमी इनके खिलाफ जाको उसको बोला। अब उन्होंने क्या करे प्लान, बादशाह आलमगीर के जो कमांडो थे सैफ अली खान साहब, उन्होंने क्या करे प्लान, इनके लोगों को, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कमांडो है उनके लोगों को इनके यूनिफॉर्म्स पिना के, इनके बादशाह आलमगीर की फौज के यूनिफॉर्म्स पिना के एक डुप्लीकेट तोप बना के 50-100 लोगों को वो रास्ते से भेजे। कौन से रास्ते से? जिस रास्ते से इन्होंने जाने का प्लानिंग करे थे, जिस रास्ते में आने के बाद इन्होंने खत्म करने का जाल बिछे थे, उस रास्ते में उनके लोगों को इनका यूनिफॉर्म बिना को धोखा देने के वास्ते भेजे। अब ये लोग, अरे आ गए रे, तोप भी आ गई, इनो भी आ गए बोल के क्या करे, इनो पूरे मिल को उनके लोगों को खत्म कर दिए। एंड लास्ट में एक आदमी का हाथ का कड़ा देख के समझ में आ गया, इनो पूरे मराठास है, हमें इन कुछ मारे ना, हमें कैसे धोखे में आ गए ना। और अजय देवगन को मालूम हो जाता कि हमारे अंदर का एक आदमी हम ना को ऐसा करा हो। और फाइनली क्या होता, सैफ अली खान बादशाह आलमगीर की जो फौज है वो फौज जाके कुंठाना फोर्ट के अंदर कब्जा कर लेके रहती। अब वहां से एक युद्ध शुरू होता और वो युद्ध में अजय देवगन जाके अपनी फौज को लेके इसको हरा के, वहां भगवा झंडा लहरा के छत्रपति शिवाजी महाराज का फोर्ट को बचाना चाहते। अब जो सैफ अली खान की फौज में एक आदमी था, वो आदमी जाको ये फोर्ट के अंदर पीछे से आने का एक दरवाजा है बोल के जाके सीधा अजय देवगन को इंफॉर्मेशन देता। और अजय देवगन क्या करता, अपनी फौज को लेके पीछे के दरवाजे से आके इनको अटैक करके खुद भी खत्म हो जाता, इसको भी खत्म हो जाता, ओवरऑल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फोर्ट है वो भी बच जाता, इधर आलमगीर का फोर्ट भी बच जाता, ओवरऑल दो जने भी खत्म हो जाते। तो ये बहुत बड़ी कहानी में शॉर्टकट में बताया, मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूं, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। ये जो कहानी अजय देवगन दिल वाले या दिल जले में बोले ना, ये हकीकत है हकीकत। आप लोग क्या समझते रहते मालूम भाई, हमारे खानदान के लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, हमारे अपने ज्वाइन नहीं कर रहे, मेरे बहन साथ नहीं दे रहे, मेरे वाइफ साथ नहीं दे रहे, मेरे हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, मेरे खुद के पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे। ये बिजनेस के अंदर क्या है, आप सबसे पहली चीज सीखना बंद कर देते, इसलिए उनो साथ नहीं दे रहे, इनो साथ नहीं दे रहे बोल के बिजनेस छोड़ के चले जाते। ये अपने जो धोखा देते ना, क्या ये 2023-24 से शुरू हुआ समझे? अब जो मैं आपको कहानी बताया तन्हा जी की, 1670 की कहानी है, 1617, सन 1670, 1670वें साल की कहानी है ये, यानी उस दिन से चल लेके आया है, उस दिन से चल के आया है। इतिहास गवाह है, अपनों को अपने साथ नहीं देते, अपनों को अपने से लूटे। मैसूर के टाइगर हजरत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाही ताला अलैह को खत्म कौन करे, ब्रिटिशा धोखा कौन दिए, अपने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला को कौन खत्म करे, अपने। आप इतिहास निकाल के देखो, अपनों को अपने खत्म करे तो आपको अपने कैसा यहाँ पे करोन बनेंगे, जरा सोचो, आपको अपने कैसा करोन बनेंगे यहाँ पे, पॉइंट को समझो। बादशाह अकबर का साथी बीरबल था, धोखेबाज उसके खुद के कौम के थे, मगर उसके कौम का नहीं था बीरबल, फिर भी वफादार था। अपने कभी भी अपनों को साथ नहीं देते, चाहे कौम कौन सी भी हो। आप अपने खानदान के भरोसे पे अगर वेस्टिज कर रहे तो भूल जाओ, आपका खानदान आपको साथ देने वाला है नहीं। तो इन सब चीजों से आपको मैच्योरिटी होना है, तो आपको मंथली लर्निंग करना जरूरी है, हर महीना कुछ ना कुछ नया सीखना जरूरी है, एवरी मंथ यू शुड लर्न समथिंग न्यू। अगर न्यू कुछ सीखना है तो आपको करना क्या है, मीटिंग्स को आना जरूरी है, कंपल्सरी मीटिंग्स को आना जरूरी है। एंड रिटेलिंग, मैं 200 PV 300 PV का जो वेल्थ पैक के टाइम पे बोला, कंपनी वो लॉन्च इसलिए करी क्योंकि आप रिटेल करना सीख सको और रिटेल से भी ज्यादा पैसे कमा सको।
भाई आप 8% हुए तो आपको 300 400 का चेक आता, 750 रुपए का वाउचर आता, मगर आप 300 सेल्फ पीवी कर दिए वो वेल्थ पैक के अंदर, तो 1250 रुपए तो ऐसे कमा लिए आप। अगर आप 300 300 300 के अगर 10 कर लिए, अगर कस्टमर्स रख ले के, तो आप 12,000 रुपए ऐसे कमा लिए। हमारी टीम में सीमा मैडम है, लास्ट मंथ में उन्होंने मेरे ख्याल से 10 या 20 वाउचर्स हेल्थ पैक है, कौन सा ये जो वेल्थ पैक है 200 पीवी 300 पीवी का, 10 या 20 करे, अगर उन्होंने 10 करे है तो 12,000 रुपए आए, अगर 20 करे है तो 24,000 रुपए इनकम अलग से, ये अलग से स्कीम। किसके घर में ऐसा आप 24,000 रुपए कस्टमर्स आपके है तो आप करने क्या प्रॉब्लम। रिटेल और स्मार्ट वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग में स्मार्ट वर्क बहुत काम करना पड़ता है, आपको स्मार्टली काम बहुत करना पड़ता है। स्मार्टली काम बोले तो क्या सर, पूरा काम अपलाइन पे छोड़ देना क्या सर? हाँ नहीं सर, अपलाइन पे छोड़ देना स्मार्ट काम नहीं है वो। स्मार्ट काम का मतलब क्या? ब्रिंगिंग टीम टू इवेंट्स। एक समझदार लीडर वो हो सकता जो अपनी टीम के लोगों को जहां इवेंट्स और ट्रेनिंग्स चलते वहां लाके बिठा के अपनी टीम को एजुकेट करके लेके जाते। एक गुड देखो, 28 ईयर्स एक्सपीरियंसड नेटवर्कर जो है ना, अपनी किताब में एक चीज लिखे क्या मालूम, हु इज ए गुड नेटवर्कर। जब उनसे कोई सवाल करे एक गुड नेटवर्कर कौन हो सकते सर, तो उनका जवाब था जो सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग्स लेके आते ही इज नॉट ए गुड नेटवर्कर, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचते ही इज ऑल्सो नॉट ए गुड नेटवर्कर, जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स को अटेंड करते ही इज ऑल्सो नॉट ए गुड नेटवर्कर। बोले तो फिर गुड नेटवर्कर कौन है साहब, तो उन्होंने बोले ए गुड नेटवर्कर इज हु सेल्स द इवेंट्स टिकेट्स। एक सही और बेहतर गुड नेटवर्कर वो है जो अपने अपलाइन के या अपनी कंपनी के ट्रेनिंग्स के टिकेट्स को बेचते। क्या बात है देखिए, जो सबसे ज्यादा अपनी टीम के अंदर ट्रेनिंग्स के टिकट बेच के अपनी टीम को ट्रेनिंग्स में लेके जाके बिठाते, उन्होंने एक सबसे समझदार होशियार और सबसे बेहतर गुड नेटवर्कर है बोले। हमारे लोगों को तो यहाँ पे सिर्फ बहाने 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 बहाने, मंडे कहीं को रखते संडे रखो, संडे कहीं को रखते मंडे रखो, जिनको बच्चे हैं उन्हों संडे रखो बोलते, जिनको बच्चे नहीं उन्हों मंडे रखो बोलते। अब अपलाइन की साजिश नहीं हुई उन्हें कहाँ जाना, परसों मेरा एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे फोन करा, डे बिफोर यस्टरडे एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे फोन करके, सर ये जो डायरेक्टर अंडबो की जो आप बूट कैंप कर रहे हो वो गोवा में नको करो सर, बोला एक यूसीडी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई सिल्वर गोल्ड नहीं करा, एक यूसीडी की बात कर रहा हूँ, गौर से सुबह कर्नाटका का एक यूसीडी, मैं नाम नहीं लेता, फोन करके मेरे को सर गोवा में नखो रखो, कहाँ तो यहाँ लोकल बल्लारी हॉस्पिटल में हमारे कर्नाटक में रख लो। क्यों बोले तो गोवा बोले तो आने एक दिन जाने एक दिन, ट्रेनिंग के 2 दिन, 4 दिन चले जाते सर। मैं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को उसका लेवल देखे नहीं जैसा उसको जवाब दिया, यू डोंट हैव राइट टू सजेस्ट मी एनीथिंग, बोला खुला तेरे पास कोई हक नहीं है कि तू मुझे सजेशन दे। और मैं ईगो में नहीं बोला, मैं उसे गुस्से से बोला और मुझे हक भी बनता उसे मारने का भी, क्यों, क्योंकि उसे 5% से मैं ग्रो करूं और वो हमारी रिलेशनशिप है उसके साथ, तू नक्को सजेशन दे भाई मेरे भाई मुझे। ओके सर, एक चीज बात करो, क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे, नहीं बोला ठीक है सर ओके। मैं बोला 60% ऑफ आवर टीम, 60% लोग हमारी टीम के गोवा में करेंगे बोल रहे, हालांकि वो 60% में तेरी खुद की टीम है उसमें गोवा में करेंगे बोल रहे, और तू फोन करके बोल रहा मेरे को कि नको सर गोवा बोल। अब मैं क्या तेरी टीम का सुनू, मैं तेरा सुनू, इसलिए बेहतर है तुम लोगों का सुन के मैं सिर खराब कर लेने से अच्छा है जो मैं सोच रहा हूँ मैं वो कर दू, मुंह मुसले को बिल्ड करो बोल के रखा। तो जाते जाते फोन रखते रखते क्या बोला मालूम, सर बहुत शुक्रिया सर आपका बोल के हंसा। कहीं को भाई बोला, तुम्हारे से थुकाले को 3 साल हो गए थे सर, 3 साल के बाद थुके सो वास्ते शुक्रिया बोला, अब ऐसे बेशर्मा को मैं क्या बोलूं। तो बहाने बनाने वालों को हम कहां का वहां अगर अप्लाइंस होके कट करें ना, तो ना बहाने नहीं बनाते हम, हाओ हाओ सर भाई साहब नको लो नको,
ये डेट ना कर, अगला डेट। हाँ मैडम, अगला डेट करेंगे। देखो कभी भी डाउनलाइन आकू देसी मुर्गी के जैसा पालो। अगर आप अपने डाउनलाइन आकू अगर फॉरम की मुर्गी के जैसा पालेंगे तो फिर उनमें दम ही नहीं रहता, दमिश नहीं रहता, है तो भी पैदा नहीं, लीवर भी लेट ले लेता पेट में इनको खाने के बाद लीवर। अरे ये डम्मी चीज को मैं क्या डाइजेस्ट करूं रे समझ में आ रहा, इसकी औकातिश नहीं मेरे में आने की, नहीं क्या कि डाल दिया चलो डाइजेस्ट करी। तो सिंपल सी चीज समझ में क्या आता कि थोड़ा कड़क भी बनना जरूरी है बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन बनना जरूरी है। समझ में आ रहा, मीटिंग को नहीं आ रहे तो गर्दन को हाथ दाल को लेकर आना जरूरी है। मैं सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोगों को बोल रहा हूँ। और जेंट्स लेडीज को गर्दन को हाथ नहीं डालना, जेंट्स जेंट्स कुछ डालना, लेडीज लेडीज कुछ डालना। लेके आने के मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, सीरियसली नखो लो, फिर बदुआ या नखो दो, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। डाउनलाइन गौतम बली सर को देख के नहीं है, अपलाइन को देख के आए, तो अपलाइन का फर्ज बनता उस इंसान को थोड़ा रफ होके मीटिंग्स में लेके आके साथ दे के 1 लाख रुपए तक लेके जाने का हक अपलाइन के पास है, तो थोड़ा रफ हो सकते हैं अपलाइन। देसी मुर्गी बनाना है तो मुर्गी क्या खा रही क्या नहीं खा रही देखने की जरूरत नहीं। अगर फार्म की मुर्गी बनाना है तो हर हफ्ते इंजेक्शन डालना पड़ता, जरूरत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा, राइट? और ये जो है आपको जरूरत नहीं है, ये ड्रेस कोड, ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको लास्ट बोल के अपनी बात को खत्म कर दूं। ड्रेस कोड क्या है, देखो साहब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप व्हाइट एंड ब्लैक पहन के जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ठहरेंगे तो भी आपको लोग कहीं को आए भाई अंदर बोलते नहीं। अगर आप नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, आप कहीं भी जाओ आपको इज्जत मिलना डाउट। आप इन शर्ट करके जाओ, बस में बैठो, ये जो टिकट कंडक्टर रहता ना, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूँ, लेडीज तो वैसे भी प्रोफेशनल रहते हैं हर यूनिफॉर्म के अंदर, मैं लेडीज की बात नहीं कर रहा, जो जेंट्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप यूनिफॉर्म पहन के इन शर्ट करके अगर आप उसमें बस में भी बैठे ना, तो आपको कंडक्टर रेस्पेक्ट से बात करता, सर कहाँ जाना है बोल के। मगर अगर आप बिना यूनिफॉर्म के बिना इन शर्ट करे बैठो बस के अंदर, कंडक्टर भी आपकी कदर नहीं करता, कहाँ जाना भाई बोलता। इन शर्ट करे तो सर बोल रहा, इन शर्ट नहीं करे तो कहाँ जाना जी बोल रहा। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी। और वेस्टीज कंपनी का यूनिफॉर्म ऐसा है, पहने तो अलग ही लुक आ जाता सब, और वो पहनने के बाद ऐसा पावर आता, ऐसा पावर आता कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते। तो यूनिफॉर्म जो दिखेगा वो बिकेगा, ये याद रखो आप। यूनिफॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता, इसलिए आप यूनिफॉर्म पे भी जरा फोकस करें। आपको यूनिफॉर्म पेन को अगर आप काम करें तो आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते। तो ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बताया, ये चीज़ों पे आप फोकस करो। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था, 10 होम मीटिंग्स एंड टू 10 1-to-1s एंड 2 होम मीटिंग्स, इस पे आप ज़्यादा फोकस। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बताया अगले 6 महीने आप इस पे फॉलो करें ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, आपकी एक बहुत बेहतरीन टीम बन सकती और आप बहुत आगे जा सकते, और बहुत जल्दी आप रिटायरमेंट लेके पैसा खा लेके आराम से घर में बैठ सकते। खाली बहाने 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 बहाने, देखो आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है ना, आप अगर बोलते रहेंगे तो सुनने वाले को भी एक बार बेजार गया कि कई कुरे बाबा मिलता जरूरत ही नहीं है इसे मिलने की बोल के, वो लोग खुद आपको लाइट ले लेते। प्रॉब्लम आपके घर में एक ही नहीं, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आपको है, हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हमा को है, दूसरों की कैपेसिटी के हिसाब से दूसरों को है। प्रॉब्लम हर किसी को है, झेलना सबको है, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करने से अच्छा फोकस ऑन व्हाट यू वांट, आपको जो हो ना उस पे फोकस करो, आपको जो हो ना उस पे फोकस करो। मैं आज सुबह उठ के ऐसा बैठा था बेड पे मेरे, मैं सोच रहा था मैं 25 लाख रुपए कमाना है बिजनेस में बोल के टारगेट रखूं, गोल सेट करूं, इसलिए शायद मेरे 25 लाख रुपए नहीं आ रहे क्या? मैं सोच छोटी कर लिया क्या? मैं 14 से डायरेक्ट 25 को जाना बोल के कहीं को सोचा? मैं 1 करोड़ कहीं को नहीं सोचा। मैं अगर 1 करोड़ सोचता तो अब तक 25 आ जाते थे क्या?
मैं 25 सोचने से 12-14 के अंदर अंदर ही चटक के हूँ। अगर 1 करोड़ सोचता तो मेरे ख्याल से अब तक 25 आ जाते थे शायद। तो मैं आज सुबह से मेरा गोल 25 से 1 लाख रुपए तक करा। मैं रोज रात में सोने से पहले मेरे बेड पे बैठ के लिख के सोतू, आई एम अर्निंग 25 लाख रुपीज पर मंथ, आई एम अर्निंग 25 लाख रुपीज पर मंथ। ऐसा आप मेरी एक डायरी में 20 बार लिख के सोतू। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग 1 करोड़ रुपीज पर मंथ। आई विल अर्न बोल के नहीं लिखना, आई एम अर्निंग बोल के लिखना, क्योंकि आपके दिमाग को ये सिग्नल जाता, आई विल अर्न का मतलब क्या होता, मैं आज नहीं तो कल कमातू। आपके आपके दिमाग यानी आपके दिमाग को आप क्या सिग्नल दे रहे कि आज नहीं तो कल कमातू। तो दिमाग क्या समझ रहा, आज नहीं कल कमाएंगे, आज नहीं कल, कल क्या बोल रहा फिर दिमाग, कल कमाएंगे, कल क्या बोल रहा फिर कल, कल एक दिन ऐसा कल आता कि हम खबर में चले जाते। तो दिमाग को हम एक दिमाग एक छोटे बच्चे के जैसा, छोटा बच्चा क्या करता, बेटा जाके वहां बैठो, तो बच्चा वहां जाके बैठता, दूसरा कुछ नहीं करता। अब आप बोलो बेटा वहां जाके एक बुक और पेन लेके आप लिख लेके बैठो, तो बच्चा वहीं जाके बैठ के कुछ ना कुछ लिख लेके बैठता। तो दिमाग एक छोटे बच्चे के जैसा है। दिमाग क्या काम करता, आई विल अर्न बोले तो आई विल कहते भाई, कब की कहते भाई, आई एम अर्निंग बोलो, मैं कमा रहा हूँ ऑलरेडी बोल के अगर आप सिग्नल दिए, तो दिमाग कंफ्यूज होके सबकॉन्शियस माइंड से नेचर को एक सिग्नल देता कि भाई मेरा उस्ताद बोल रहा, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ बोल के, तो अकाउंट में नहीं आ रहे ना, जल्दी भेजो। तो नेचर क्या करता, शाहरुख खान का डायलॉग याद रख लो, ओम शांति ओम का, क्या अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश रच जाती, या आपको मिलाने मिलाने में लग जाती। तो ये हकीकत है, दिस इज रियलिटी। अगर आप 1 लाख रुपए इनकम को बड़ी शिद्दत से चाह रहे, आप रोज रात में लिख रहे कि मैं कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए हर महीना, मैं कमा रहा हूँ 1 लाख रुपए हर महीना, मुंह से जुबान से बोलते हुए उसको देखते हुए लिख के अगर आप सो रहे रात में, तो आपके दिमाग को आप सिग्नल देके सो रहे कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ मेरे भाई, और सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता वो आपके जिंदगी में हुए तक आपको मौत नहीं आती। मेरे भाई ये जो कौन बड़े बड़े कामा कर रहे ना, अबू बकर सिद्दीक साहब, मैं आपको मीटिंग से निकाल देता हूँ अगर ऐसे कामा करे तो। खामोश सुनना, नहीं तो मीटिंग छोड़ के चले जाना, ठीक है ना, ये उंगलियां नहीं करना। तो आपका दिमाग जो है ना, नेचर को सिग्नल देता कि मेरे उस्ताद जो है 1 लाख रुपए कमा रहे बोल रहे, 1 लाख रुपए इनको अकाउंट में भेजो। तो नेचर नेचर जो है ना, काम स्टार्ट कर देते आपको 1 लाख रुपए दिलाने के लिए। सर नेचर कैसा सर काम स्टार्ट करते, नेचर कैसा सर काम स्टार्ट करते, नेचर जो है ना उन लोगों को आपसे मिला देता जो आपसे जुड़ के पीवी दे के आपको 1 लाख रुपए इनकम आने में मदद करते। ये नेचर का काम है। अब आपको मीटिंग करने से पहले मैं मेरे एक यूसीडी से बात कर रहा था, अडनप्पा से, 1 घंटा ऐसा, मैं बहुत दिनों के बाद बात कर रहा था, 1 घंटा ऐसा हमें डिस्कस करते रहते, जब जब अडनप्पा से मैं बात कर रहा था, तो अडनप्पा मुझे एक बात बोले कि सर जब मैं पहली बार आज से 6-7 साल पहले मैं जब आपको स्टेज पे देखा हस्पेट पे, आप जब डायमंड डायरेक्टर थे और आपका चेक जब 92,000 या 1,08,000 रुपये था, आपकी बातें सुन के, आपके बातें सुन के मेरे दिल में आया कि ये बंदे से मैं एक फोटो लेना बोल के, जब मैं आपसे फोटो लेने लाइन में लगा तो आप तक पहुंच के सेल्फी लेने के लिए मुझे 1 घंटा लगा सर, 1 घंटा ठहर के मैं आपसे सेल्फी लिया। तो मैं अन्नप्पा को एक बात बोला कि अन्नप्पा देख गौर से सुन जो मैं बोल रहा हूँ। अन्ना बोला हाँ सर बोलो। तो बस 100 से ज्यादा लोग थे क्या, और सर 100-150 तो थे सर। तो बोला चल 100 एग्जाम्पल ले लेंगे जो लाइन में ठहरे थे मेरे से फोटो लेने, तो 100 आदमी तू था, 100 आदमी तू था, और तू कौन मुझे मालूम नहीं था, और मैं स्टेज पे स्माइल देते देते लोगों को सेल्फी देके भेज रहा था, 100 आदमी तू था, वो 99 लोग जो सेल्फी लिए आज उन्हों गायब है, और आज भी तू मेरे से बात कर रहा, इसका मतलब ये है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरा एक यूसीडी ये लाइन में खड़ा है। आज से 9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मेरा एक यूसीडी इस लाइन में खड़ा है, मुझे मालूम नहीं था। तो वो यूसीडी को उस लाइन में खड़ा कौन करे, नेचर, नेचर यानी कुदरत, कुदरत यानी खुदा, जिसको आप ईश्वर के नाम से जानते, जिसको आप जीसस के नाम से जानते, जिसको आप अल्लाह के नाम से जानते, नेचर इज द थिंग, बट कुदरत, कुदरत का मतलब क्या, जिसको आप जो नाम से पुकारते वो। आप अगर अपने दिमाग को बोलेंगे,
भाई मेरे को 1 लाख रुपए होना या 1 करोड़ रुपए होना, तो आपका दिमाग, या मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, तो आपका दिमाग नेचर को बोलना स्टार्ट कर देता कि मेरे उस्ताद 1 लाख रुपए ऑलरेडी कमा रहे, 1 करोड़ रुपए कमा रहे। तो कुदरत खुद कंफ्यूज होके आपको 1 करोड़ दिलाने वाले लोगों को आपके रास्ते में भेज देते, चाहे वो 100 लोगों की क्यों ना क्यों हो। आपको रुकाता कुदरत, 1 घंटा हो 10 घंटे हो, ये याद रख लो। ये बहुत बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, ये बूट कैंप के अंदर देने की ट्रेनिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज पे बिलीव करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जब मैं अगली जो मैं मीटिंग करूंगा अगले 10-15 दिन के अंदर आपके साथ जूम में, तो मैं बिलीव के ऊपर बात करूंगा कि ये चीज कैसे जिंदगी के अंदर वर्क करके आपको करोड़पति बना सकती है। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस टुडे। तो मैं अबू बकर सिद्दीक साहब से मैं माफी मांगता हूँ, आपसे मैं रूडली बात करा, बट जो आप हरकत करे वो सही नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसे काम करे ना तो जो पॉइंट में बहुत दिमाग लगा के बोलते रहते ना, तो चले जाता दिमाग से, दिमाग से चले गया तो 60 लोगों का नुकसान है, 60 मेंबर्स का नुकसान है एक हरकत से। इसलिए मैं थोड़ा रूडली बात करा, तो आप मुझे माफ करें। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू।